अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एम्स के उसके चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट रिपीटेड एसपीएससी के एम्स को डिस्कस करने वाला हूँ और ये तमाम एम्स के एसपीएससी के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एम्स क्यूज़ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट का क्या नाम था, जिसका करेक्ट आंसर है राहुल देव। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, द ओनली सहाबा जिसको कंपेनियन कहा जाता है टू बी मैंशन बाई नेम इन द कुरान इज, कौन से सहाबा हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है, जिसका करेक्ट आंसर है जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु का। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ मॉस्क, कौन सा शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ढाका। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, सबसे बड़ी जो लैंड लॉक कंट्री है दुनिया में रकबे के लिहाज से वो कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच इज़ द मॉस्किटो फ्री कंट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, अबास्कस वॉज द फर्स्ट, अबास्कस क्या चीज़ थे, तो इसका करेक्ट आंसर है मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, हाउ मेनी सीट्स प्रेजेंटली फाटा हैज़ इन नेशनल असम्बली, मौजूदा असम्बली में फाटा की कितनी सीटें हैं नेशनल असम्बली में, तो इसका करेक्ट आंसर है 12। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच कंट्री सफर द मैक्सिमम इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जो वर्ल्ड वार टू थी इसमें सबसे ज़्यादा जो आफत ज़दा हुआ था वो कौन सा शहर था कंट्री था, तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, पिंग पोंग इज अनदर नेम ऑफ विच स्पोर्ट, पिंग पोंग जो है वो क्या किस स्पोर्ट्स का अनदर नेम है, तो इसका करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस का। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, थ्रीसा मै इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, थ्रीसा मै जो है वो किस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है यूके। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया, रकबे के लिहाज से दुनिया में वह कौन सा मुल्क है जो सबसे छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच इज़ द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी है जिसमें ट्रेडिंग की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है US डॉलर्स। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, करेंसी नोट्स आर मेड ऑफ विच मटीरियल, करेंसी नोट जो होते हैं वो किस चीज़ से तैयार किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉटन से। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फेमियर। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है होनशू। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे गरीब तरीन एरिया दुनिया में वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सब सहारन अफ्रीका। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, व्हेन वाज द पैराशूट इन्वेंटेड, पैराशूट को कब इजाद किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1783 में। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, 8 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, 8 मार्च जो है वो दुनिया में किस दिन के तौर पर मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वोमेन डे के। नेक्स्ट एम्स क्यूज़ है, Who has approved banning sale of loose cigarette across the country? तो इसका correct answer है Federal Cabinet. Next एम्स क्यूज़ है, Name French novelist who got Nobel Prize in Literature in 2014. तो इसका correct answer है Patrick Modiano ने जो literature में 2014 में Nobel Prize लिया है। Next एम्स क्यूज़ है, Alfred Nobel, a Swedish chemist and industrialist who was inventor of the high explosive, jiska correct answer hai dynamite. Next one kuch hai, in which category USA has won maximum Nobel prizes, USA jo hai United States of America ne kis category mein sabse zyada Nobel prize hasil kiye hain, to iska correct answer hai physics mein. Next one kuch hai, who is the youngest person ever to win a Nobel prize in history, सबसे यंगेस्ट कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है कम उम्र वाले,
तो इसका करेक्ट आंसर है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रिसीव अ नोबल प्राइज। कौन सी पहली मुस्लिम वुमेन है जिन्होंने नोबल प्राइज रिसीव किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शिरीन इबादी, जिनका ताल्लुक ईरान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा रबर जो है वो कौन सा मुल्क तैयार करता है? जिसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी पास पेपर तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।